मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बाबा माँ को प्रणाम। कितने हैं? खुश हो बेटा। मेरे डीएनए में 8 लोग हैं और एक गर्भस्थ शिशु भी है, 9वां। और गुरुजी, मेरा परिवार ये पूरा आपके सामने आपके आशीर्वाद से खड़ा है गुरुदेव, खुशहाल। और हमेशा बाबा ने, माने गुरुदेव ने हमेशा हर सुख दुख में साथ दिया गुरुदेव। ऐसा लगा है बाबा माँ आगे आगे खड़े हैं। ऐसा होता था गुरुदेव कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, लेकिन बाबा माँ ऐसा करते थे कि होता था, ये कैसे हो गया। और मैं सब आपकी प्रार्थना संकल्प से संभव होता। इंसिडेंट बताना चाहूँ गुरुदेव, अपनी लाइफ का पर्सनल अनुभव गुरुदेव दरबार के। गुरुदेव, हम लोग 2019 में जुड़े थे दरबार से, और शायद उस समय बाबा का जन्मदिन चल रहा था। और मैं गुरुदेव, एक दोस्त थे उनकी शिष्य की शादी में गया था जयपुर। वहाँ से गुरुदेव आते हुए बालाजी पढ़ते हैं, मेहनू बालाजी, वहाँ से मैं बस में बैठा हूँ गुरुदेव, और बस मात्र 2 किलोमीटर आगे गई है और बस अपने आप गुरुदेव पलट गई। और मैं जो गुरुदेव था, वहाँ से स्लीपर रिजर्व टिकट थी, मतलब मैं विदाउट टिकट ही था, स्टैंडिंग में था। और मेरे बस पलटने के 2 मिनट पहले एक भाई साहब वहाँ बैठे थे सीट पर, अपने बोले भैया आके बैठ जाओ बगल में। मैं बैठा हूँ गुरुदेव, और बस ऐसे ऐसे करवटें खाती है और पलटती है। उसमें बस बाबा का ही नाम आता है कि बाबा आप ही हो, जो भी हो गुरुदेव। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि आज मैं जीवन दान गुरुदेव ने दिया है, साक्षात गुरु ने दिया हमें। उस बस में 8-9 लोग हरिहर हो गए गुरुदेव, उनके ऊपर से बसें निकल गई, लेकिन मेरे शरीर में एक खरोंच तक नहीं आई थी गुरुदेव। मैं खरोंच खोज रहा हूँ कि खरोंच कहाँ गई, मतलब कैसे मैं बचा गुरुदेव। आज भी उस चीज़ को करता हूँ गुरुदेव कि मैं कैसे बाबा का दीवा हुआ जीवन में जी रहा हूँ गुरुदेव। बिल्कुल, इससे बड़ा जीवन दान गुरुदेव हमारा आशीर्वाद क्या हो सकता है। खुश रहो बेटा, बाबा माँ का आशीर्वाद सदैव साथ है, हमेशा साथ ही है, हमेशा बाबा माँ के साथ ही हैं हमेशा आप लोग, पूरा परिवार है ना। कुछ उस एक्सीडेंट में कुछ लोगों के हाथ पैर कट गए, कुछ की पसलियाँ हड्डी टूट गई, अंग विखंड हो गए, अलग अलग। वही कह रहे हैं, लिखा है बिल्कुल, ये दरबार ने लिखा, देखिए उधर आप बता रहे हो, दरबार ने लिख के रखा। कुछ के हाथ पैर कट गए, कुछ की पसलियाँ टूट गई थी जी गुरुदेव, है ना। लेकिन तुम्हें खरोच नहीं आई। बिल्कुल गुरुदेव, फिर इतनी हिम्मत गुरुदेव हुई, जो बस लोग फंसे हुए थे उनको हम उनको सहायता की, निकाल निकाल के डेड बॉडी हम लोग खुद डाले हैं बस पुलिस गाड़ी में, ये हालत गुरुदेव हुई। फिर वहाँ से हॉस्पिटल हम लोग गए, वहाँ देखे खुद ही लोग करा रहे हैं हम कि हमें बाबा हमारे साथ हैं, हमें इलाज की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले इनका इलाज कराओ जो सीरियस है। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। देखो तमाम कुछ स्मृतियाँ बची हुई थी, बहुत अच्छा किया जो वनडे कर लिया, ये भी नष्ट हो गई। किडनी में सूजन था, किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, भगंदर की मिर्सुला की स्मृतियाँ थी, पिताजी के आपके जो बेटे के तमाम कष्ट हैं। ओम। यूरेथ्रा में सूजन, अंडकोश में सूजन, आँखों में धुंधलापन, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, मूत्र त्याग करने में कष्ट होता था, घुटनों में दर्द चुभन होती थी, सूजन था, चक्कर आते थे, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहा था, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, कोलोन में, रेक्टम में, गॉल ब्लैडर में, गले में और भोजन नली में, ये भी सब नष्ट हो गए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खूब खुश में खूब मस्त रहो स्थान दे गुरुदेव, हमारे बाबा माँ हमारे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुदेव कहना था गुरुदेव, हमारा छोटा भाई गुरुदेव है, उनकी धर्म पत्नी आई है गुरुदेव यहाँ पे, तो दरबार से जुड़ने के बाद गुरुदेव आता था, वो जबरदस्ती करने पे आता है। अभी 3 महीने पहले हुआ कि बाबा की, अब वनडे कर लिया है ना। हाँ गुरुदेव, अब बहुत ऊर्जा सबके पास, अब ये संकल्प करेंगे वो टन हो जाएगा गुरुजी, यही करेंगे इनकी वाइफ, इनकी वाइफ करेंगी जी, ये करती हैं गुरुदेव, अब करेंगी, अब ऊर्जा है ना, आज से ऊर्जा बहुत है, क्योंकि ये स्मृति उसी की है। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ जी गुरुदेव, इससे वो तंग रहता था, आज ये नष्ट हुई है। ठीक है, खुश रहो, धन्यवाद गुरुदेव, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, गुरुजी प्रणाम, खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप क्या है, ठीक है, टनाटन है बाबा माँ कृपा से। हाँ गुरुजी, आपका कष्ट नहीं, आप उठ बैठ के चेक कर लीजिए, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गए हैं, करिए देख, घुटना उठना कमर नया हो गया है, करिए बैठिए उठिए खड़े होइए, ऐसे जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए। ये सब दरबार ने बना दिया है,
खूब बढ़िया जीवन जिए, खूब मजे कर। कम सुनाता है, आँख से कम लगता है? ना, ऐसा नहीं था। कान से खूब सुनाई दे रहा, हम आपसे बात कर रहे हैं, खूब सुनाई दे रहा है। आपके बेटे बगल में खड़े हैं, देखिए बगैर माइक के बात करेंगे और आपको खूब सुनाई देगा। बेटा आप पूछिए उनसे, कुछ बात पूछिए पिताजी से। है ना, अब आपकी पूरी बात सुन रहे हैं बगैर माइक के। वो स्मृति थी जो आपको सुनने नहीं देती थी, वो नष्ट हो गई, इसलिए आप सुन पा रहे हैं खूब आराम से। आप बहरे वहरे नहीं हैं, ठीक है। पर चलने पर नींद आती है गुरुजी। हाँ, सब अच्छा है, स्मृतियाँ गई, सब नष्ट हो गई, खुश प्रसन्न। बाबा के चरणों में खुश रहो बेटा। बाबा मैं आज एकदम स्वस्थ हो गई, मेरे कमर में बहुत दर्द था, आज एकदम बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल बेटा, इसी ऊर्जा की आवश्यकता थी वन डे की। नौ हवन करे रहते हैं तो उसमें क्या स्तंभित रहते हैं असाध्य कष्ट, जैसे ही आप आते हैं इसमें वो सब नष्ट होना शुरू होते हैं, इसीलिए नष्ट हुए। देखिए आप में, आपकी सासू माँ में, देवरानी में, जो बच्चों में, जो बच्चियाँ हैं, महिला लोगों में, ये कितने कष्ट थे महिलाओं में, सब आज उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई, कष्ट सबके गए। देखिए सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियाँ थी। एक्जिमा की स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, आँखों में धुंधलापन। पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, गुदा द्वार में घाव व चुभन की स्मृतियाँ थी। मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था, अपच की स्मृतियाँ थी। बॉडी ऑटोमेन की स्मृतियाँ थी, बोन टीबी की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी। जॉन्डिस की, पीलिया की स्मृतियाँ थी, किडनी में इन्फेक्शन व घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। कार्य व पढ़ाई से अरुचि उच्चाटन हो जाता था। सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, महसूस होती थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी, स्पाइनल कॉर्ड में, रक्त में, लीवर में, गॉल ब्लेडर में, यूट्रस में, यूरेटर में और हड्डियों में। ऐसे तमाम कष्ट थे आप सब में, ये सब नष्ट हुए, सब गए, एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट अब शेष नहीं है। बाबा माँ का भजन करते रहो, संकल्प प्रार्थना करते रहो, अच्छे बने, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। खुश रहो अम्मा, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत धन्यवाद, आप इतना ध्यान रखते हो आप लोग बाबा माँ का। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहिए। अब आप भी जरा उठ बैठ के चेक करो, अब ठीक है, अब कोई कष्ट तो नहीं है, बैठ उठ के चेक करो। आप बैठिए, उठिए, जैसे आपके पति देव फर्स्ट क्लास, आप खड़ी हो, अब आप बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बैठिए उठिए, ऐसे बन गए हैं बच्चों की तरह, आप भी सब कष्ट गए, सब अच्छे, खुश रहिए। आइए, आप लोग आए बेटा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, अपने पति देव का संकल्प तुम करना। अच्छा गुरुजी, रोज करती हूं, बात नहीं सुनते। अब करना, अब आज से, आज ऊर्जा आपके पास अब आज से है, आज अनुष्ठान किया है तो अब से शुरू होगा ना। गुरुजी मुझे चक्कर और बेहोश जैसे, अब कुछ नहीं है, पहले होता था, अब कुछ है कष्ट? कल चक्कर आने पे मुझे टूट गया है। चक्कर आने से, माइक पास करो भाई। चक्कर आने पे चोट हो गई और चोट लग गया है फेस। हाँ ठीक बात है, आवाज की बात करो, आवाज से सब चक्कर गए, घन चक्कर गए, सब खत्म हो गए, अब कोई चक्कर कच्चर नहीं। पहले लगता था कोई है, कोई अगल बगल में है, कोई पीछे है, ये सब होता था, रात में गंदे गंदे काम होते थे, गंदगी होती थी, हरकतें होती थी, अब कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी के 6 मंथ हो गए कंप्लीट, अभी तक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, उसमें क्या आपत्ति है? जैसे कुछ दिक्कत परेशानी, तो इसकी वजह से बोले अल्ट्रासाउंड करा। अरे भाई तो अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है? अब आज डीएनए से में बच्चा जुड़ा है पहली बार, इसलिए अब आपको कोई कष्ट नहीं। अभी तक बच्चा था, आपको कष्ट होते थे पेट में,
अब कोई कष्ट है नहीं है, क्योंकि अब डीएनए में शामिल किया आपने उसको दरबार में, वनडे के पुण्य का भागी है, वो भागीदार है, इसलिए अब कोई कष्ट नहीं उसको। आपको कष्ट होते थे इसलिए डॉक्टर साहब कहते थे भैया अल्ट्रासाउंड करा लो, तो डॉक्टर तो यही कहेगा, वो उनको भगवान थोड़े ना है जो अंदर आपके देख लेंगे पेट में कि क्या है बच्चे में, ये तो दरबार ही देख सकता है। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। जोड़ दिया जाए इसके नाम से। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं, पढ़ने लिखने का मन कर रहा है कि नहीं? अब मोबाइल देखना है? मोबाइल बढ़िया है, मजे करो, खूब खुश रहो। ये सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है यार, प्रसाद दो सबको। छोटी बिटिया हमारी है, दोनों बिटियों का नाम रिद्धि और सिद्धि है। हाँ क्या बात है, दोनों बताओ तुम्हारे पास है। बिल्कुल गुरुदेव, रिद्धि और सिद्धि है, धर्म पत्नी लक्ष्मी है, आप बताओ क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, बाबा माँ का आशीर्वाद है। खूब खुश रहो, बाबा माँ का आशीर्वाद सदैव साथ। बाबा ये कहती है, आपका वीडियो देखती है, घर में हम लोग देखते हैं तो बोलती है, बच्चों से आप बात करते हैं तो बोलती है गुरुदेव बाबा जी हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? खूब करेंगे, जम के करेंगे, खूब करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए, खूब पढ़ाई करिए। हरिहर हरिहर। खुश हो बेटा।